মোবাইল একবার ছোট ইউটিউব থক খোলো তো, খোলো না মেরা চ্যানেল খোলো তো, থোড়া কপারেট কিয়া করো। जी मेरे ख्याल से लाइव हो गया है सर ना। यस जी लाइव हो गया है सर। यस ओके नमस्कार नमस्कार, आ गए हम लोग आज। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। पांचवी दिन आज हम लोग के साथ में बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने अपना बहुत ही बेशकीमती समय दिया और अपना फीडबैक जो आप दे रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है गर्जना सपनों की उड़ान, आप लोगों का सभी का बहुत प्यार मिल रहा है इसको। एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शायद कुछ एरर है सर। यूट्यूब तो दिखा तो रहा है लाइव। लाइव नहीं आया है सर लग रहा है। एक बार चेक करके देखिए मोबाइल से। मोबाइल से जी आ गया, आ गया सर। दूसरे मोबाइल से जस्ट वेट फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू चल रहा था तो सॉल्व हो गया। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हाँ सॉरी,
सॉरी दोस्तों, एक्चुअली एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू था हमारे लिए भी। ये सब सारा सिस्टम आप समझ रहे हैं कि हम लोग भी डेली कुछ ना कुछ हम लोग लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आज के सेशन में बहुत ही ऐसे शख्स आज हम लोग के बीच में जुड़े हैं जिनको कि पूरा एटमी इंडिया ही नहीं, पूरा एटमी परिवार, जो पूरा ग्लोबल परिवार है, वो बहुत प्यार दे रहा है, बहुत शुभकामना दे रहा है। ऐसी सक्सेस स्टोरी जो कि बहुत ही विरले मिलती है। सफलता तो बहुत कोई पाते हैं, लेकिन जो संघर्ष और जो काम करने का जज्बा और जो एक इमोशनल कनेक्ट जो होता है अपने काम के साथ में, उसको बखूबी निभाया है इस लीडर ने। और हालांकि आज के सेशन में मैं एक दूसरे लीडर के साथ में ये सेशन करने का था हमारा शेड्यूल, लेकिन बोला जाता है कि लीडर इज ऑलवेज रेडी। तो आज आप लोगों के बीच में बहुत ही प्यारे लीडर हमारे और एटोमी इंडिया में छत्तीसगढ़ जिले से आते हैं। जी हाँ, नन अदर देन हमारे डायमंड मास्टर मिस्टर करण पटेल जी। करण पटेल जी के बारे में क्या बताऊं, एक जिस तरह से बोला जाता है कि एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर, ऐसे लीडर बहुत ही विरले मिलते हैं। और एक ग्रामीण परिवेश से पले बढ़े और बहुत ऐसी मतलब ऐसी दर्दनाक स्टोरी दोस्तों कि आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं सफल नहीं हो पाया, मुझे ये प्रॉब्लम था, मेरे मम्मी के साथ में प्रॉब्लम था, पापा के साथ में ये प्रॉब्लम था, फैमिली का ये इशू था, पैसे का ये प्रॉब्लम था, बहुत सारा मतलब कि बहुत सारे एक्सक्यूजेस लाइफ में रहते हैं, हर किसी का समस्या रहती है। लेकिन करण पटेल सर के बारे में आप जानेंगे तो आप बिल्कुल हक्के बक्के रह जाएंगे, भाई कैसे कोई इतना संघर्ष कर सकता है, कैसे कोई इतना मेहनत कर सकता है। जी हाँ, करण पटेल सर आज हमारे साथ में है, स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ में दोस्तों। तो आप सभी लोग फटाफट ये लिंक को शेयर करें अपने बीच में और अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी लोगों को, एटोमी में जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं आज उनको ज्वाइन कराएं। और अभी आप शेयर करेंगे तो आप सर को लाइव सुन सकेंगे और लाइव सर से सवाल भी आप ले सकेंगे। आप मेरे को चैट बॉक्स में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करेंगे तो वो सवाल भी मैं आपके लेने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आप आज तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा बिल्कुल हमारे अपने डायमंड मास्टर मिस्टर करण पटेल सर का। सर प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करें और हम लोगों से, सभी लोगों से मुखातिब हों। करण पटेल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका गर्जना सपनों की उड़ान में। सर वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज आपने जो मुझे बुलाया है इस सेशन में, एक बड़ा जहाँ बोला जाता है कि लोग सफल नहीं होते, उससे एक लो पुअर क्लास फैमिली से आया हुआ बच्चा कैसे सपनों की आपकी उड़ान, जो मैंने देखा वो भी काफी बेटर लगा कि सपनों की उड़ान को वो कैसे हासिल कर सकता है। आज हमने वो कर दिखाया है। आज जैसे आपने स्लोगन डाल रखा कि हम अपनी लाइफ के जर्नी में आपको आपके साथ शेयर किया जाए, तो मैं आपको अपना लाइफ का जर्नी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं तहे दिल से सबको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया। और ऐसे सेशन जो कंटिन्यू हमारे बिजनेस के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। देखो, MLM में कहा जाता है कि लर्निंग इज अर्निंग, यानी कि हम कंटिन्यू सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं, यही हमारा एक बिजनेस होता है। और यही चीजें मैंने भी फॉलो किया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे इस कोविड के सिचुएशन में। अभी देखा जाए हो तो पूरी देश और दुनिया, लेकिन फिर भी हमारा एक बिजनेस ऐसा होता है जिसको हम ऑनलाइन आज प्रमोट कर रहे हैं इस एटोमी प्लेटफॉर्म की वजह से। और एटोमी ही अगर हम देखें तो एक एटोमी एक ऐसा सेक्टर है जो MLM के साथ में ई कॉमर्स कंपनी को प्रमोट करती है, जो हमें अनलिमिटेड देर तक इनकम दे पाती है। लेकिन आप सभी का इस अचीवमेंट को लेने के लिए, इसमें पैसा कमाने के लिए क्या होना जरूरी है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सर ने बताया, कुछ सवाल भी आप लोग पूछने वाले हैं तो हम उसका भी जवाब आपको क्लियर तरीके से देंगे। अब मैं अपना जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मेरा जो पूरा नाम है वो करण पटेल। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछूंगा।
और मैं जानता हूं कि सर आप एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, आप एक एक सुर में एक लाइन में आप पूरी आप बातें को रख पाएंगे, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं तो उनकी सुविधा के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। तो कुछ सवाल होंगे सर, सवाल के जवाब आप देंगे तो लोगों को क्या है ना कि सवाल जवाब के माध्यम से बहुत अच्छा लर्निंग मिल पाएगा सर। हमारा ये जो टॉक शो है, ये टॉक शो इंटरव्यू कम लर्निंग सेशन है सर, तो इसमें हम लोग नए लोगों को सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से सर। तो सर कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके जवाब मैं आपसे लूंगा, तो उसमें सारा कुछ कवर अप हो जाएगा सर। आप बिल्कुल आप सवाल बिल्कुल करेंगे, लेकिन जैसे आप कंटिन्यू बता रहे थे तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी आप सवाल रखेंगे। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। जो है वो गौकर्ण पटेल है और पूरा इंडिया मुझे करण पटेल के नाम से जानता है, जो कि मेरा निकनेम है। मेरा पूरा परिवार और फैमिली जानती है इसी नाम से, और इसी नाम से ही पूरा अटोमी फैमिली, अटोमी जिस कंट्री में चल रही है और जहां हमारी टीम है वहां हमें इसी नाम से जाना जाता है। अभी जैसे सर सवाल करते जाएंगे मैं आप लोगों को वो आंसर देते जाऊंगा, तो सर आप अपना सवाल रखें, मैं उस सवाल के अकॉर्डिंग आपको आंसर देता रहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, सो काइंड ऑफ यू, सो हम्बल। सर मेरा पहला सवाल यही है सर कि आपका परिचय दीजिए सर। आपको लोग अभी जहां तक जानते हैं, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आपने अपनी जर्नी बताई है। सर पीछे में आपके शायद घर के हैं कोई, इनको कैमरा में देखने के लिए बोलिए, पीछे पीछे आपके पीछे में आपके बैक में जी। हाँ सर, तो मैं ये बोल रहा था सर कि आप सर आपका बचपन कैसे बीता, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, आपके बारे में थोड़ा परिचय, अपने बारे में थोड़ा बताएं सर। सर मैं बचपन से क्या है, मेरा ये सामने में पिताजी खड़े हैं और जो आपको दिखाई दे रहे थे कैमरे में, अच्छा, पिताजी है। और चूंकि मेरा जो बचपन रहा, मैं पूरे परिवार में अपना सबसे बड़ा रहा, तो जिम्मेदारी भी हमेशा बड़ी रहती है। और हम लोग क्या है, चूंकि 5 भाई होते थे तो सबसे बड़ा मैं होता था और बहन नहीं था, जिसकी वजह से हमारा जो अगर फैमिली की बैकग्राउंड की बात करें तो काफी लो पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मैं जिस क्षेत्र में पढ़ाई करता था ना, उस क्षेत्र में तकरीबन 5-4.5 किलोमीटर तक कोई घर नहीं होता था। वहां से हम लोग पैदल आते थे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। तो जिस समय मैं बचपन में पढ़ाई कर रहा था, ये सन 1999 और 2000 की आसपास का है, तो उस समय मैं जब पढ़ाई करता था तो हमारे उस समय में क्या है कि स्कूल्स में लिपा पोती वाली होती थी, हम लोग हफ्ते में एक बार स्कूल्स को लिपते थे गोबर से। तो उस समय खपरेल का स्कूल हुआ करता था, तो उसमें हम जाते थे। फिर एक साल जब हम उससे पढ़ाई किए, उसके बाद जस्ट हम बात करें तो वहाँ पे जो पत्थर होती है वो बिछा दिया गया स्कूल पे। तो धीरे धीरे मैंने अपने लोकल गांव से, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ उसी गांव से मैंने अपना धीरे धीरे से जो 8वीं क्लास तक कहा जाए वहां तक मैंने पढ़ाई की। फिर सन 2009 में आते आते मैंने 10वीं का पढ़ाई कर रहा था, लेकिन 10वीं में पूरी तरीके से उसको पास नहीं कर पाया और फेल हो गया। कोई घर नहीं होता था, वहां से पैदल आते थे कंटिन्यू। अब हुआ क्या कि जब मैं पढ़ाई से फेल हो गया, पढ़ाई में सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाया, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। क्योंकि मैं बचपन से जब पहली क्लास किया था उससे रनिंग तक 10वीं तक कभी मैंने फेल नहीं हुआ, ना सप्लीमेंट आया। जैसे मैं सप्लीमेंट आया मैंने काम छोड़ दिया, यानी कि पढ़ाई करना छोड़ दिया। अब पढ़ाई करना छोड़ दिया तो एज भी हमारा तकरीबन 19-20 साल हो रहा था। तो उस वक्त जैसे हम पढ़ाई छोड़ देते, आप लोग जानते हो गांव में क्या होता है कि पढ़ाई छोड़ दिया बच्चे, इसकी शादी कर दो, अभी ये घूमने लगेगा, इधर उधर बिगड़ जाएगा, ऐसा करके पिताजी ने मेरी शादी कर दी। अब ऐसे भी हमारे हालात खराब थे क्योंकि जिस समय हम रखते थे तो झोपड़े में रहते थे। अभी हम 7 से 8 साल हुए हैं घर में रहते हैं, उससे पहले हम लोग एक झोपड़ में, जैसे आपने देखे होंगे जो खाना बदोश जिंदगी काटते हैं ना, उन लोग एक तंबू तान के रखते हैं, वैसे ही हम लोग क्या है घास घूस और लकड़ी से ना एक जिसको छत्तीसगढ़ी में कुंदरा बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का रहने वाला वहाँ पे कुंदरा बोला जाता है, वो हम बनाते थे, उसी पे रहते थे जंगल में। तो जंगल में हम लोग कैसे रहते थे कि किसी दूसरे का हम लोग जो जमीन होती थी उसको किराए पे लेते थे, क्योंकि खुद का जमीन हमारा नहीं था, तो हम लोग किराए से लेते थे और उसमें फसल उगाते थे। तो फसल उगाते थे तो उसको जमीन का भी किराया देना होता था और हमारे पास
जो पानी होती थी वो भी हम खरीदते थे फसल के लिए, सिर्फ दवाई खरीदना था, खाद खरीदनी थी, बीज खरीदना था, तो ऐसे करके हमारे पास पैसे बचते नहीं थे, सिर्फ हमारा जो खाना खर्चा था वो निकलता था, कपड़ा हो गया जो अपना रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने वाला, वो काम चलने वाली चीज होती थी, क्योंकि हमारा उस समय सपना ही ये होता था कि हे भगवान हमारी काम चल जाए। तो भगवान क्या कहते हैं, हमेशा जैसे आप मांगोगे वैसा ही मिलेगा, तो काम ही चलता था हमारा। अच्छा, हमने कुछ अचीवमेंट लिया नहीं, तो जैसे हमारी शादी हो गई, अब पढ़ाई बंद थी, तो हमारे पास कोई काम नहीं था, जिस जमीन को हम किराए से लेते थे वो जमीन वाला हमें छुड़ा दिया। अब हम लोग क्या कहते, जो आबादी जमीन था ना उसमें हमने एक छोटा सा मकान बनाया, छोटा सा खपरेल का, उसी पे रहने लगे। अब काम था नहीं तो हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, तो जो मिलता था पत्थर उठाने का काम किया, ईंट भट्टे में काम किया, और क्या बोलते हैं ईंट जो ट्रैक्टर से डोर इधर से उधर ले जाते हैं ना, कोई ऑर्डर करता है तो ट्रैक्टर से ईंट ले जाते हैं, उसपे हमने काम किया, नाली बनाने का काम किया, बिल्डिंग बनता है उसपे मसाला बनाने का काम किया, फिर सरिया जो होता है ना, सरिया जिसपे बांधते हैं राड से, जो राड होता है जिसको सरिया बांधते हैं उसपे हमने जी। मतलब मई जून के महीने में सोचो आप तपती धूप में बिल्डिंगें बन रही होती, उस बिल्डिंग में हम लोग कालम पे चढ़ करके, जो कालम बनती है उस पे चढ़ करके सरिया गर्म होता था उसको उठाते थे, और जिस समय हम लोग काम करते थे ना, वो सन 2009-10 की बात बता रहा हूँ, तो मशीने नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग घन से काटते थे ऐसे घुमा घुमा के, तो जब घन से मारते थे हथौड़े से तो वो छड़ करता था, तो हमें 3-4 दिन तक लगातार सरिया कटाई करते थे, फिर 4-5 दिन तक उसको बंधाई करते थे, फिर जाके वो जो छत होती थी वो ढलाई होती थी उसमें हम काम करते थे, और इतना हमारा हाथ में छाले हो जाते थे कि हम रात को जब खाना खाते थे तो वो गर्म के जो हाथ में छाले थे इसकी वजह से, गर्म की वजह से हम खाना नहीं खा सकते थे, तो क्या करें समझ नहीं आ रहा था, परिवार को भी चलाना था, अभी बीवी भी आ गई थी तो जिम्मेदारी भी बढ़ गए, जब जिम्मेदारी बढ़ गई तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो हमारे गांव में उस समय कोई पानी पूरी नहीं बेचता था, तो मेरे माइंड में आया कि हम पानी पूरी बेचा जाए, पानी पूरी बेचा जाए जिससे हम 200 या 400 कमा सके ताकि हमारी रोजी रोटी मिल सके। जब हमने रोजी रोटी की बात की तो वहां पे फिर से हमारा विरोध प्रदर्शन चालू हो गया समाज से, कि हमारे समाज में कोई भी प्लेट धोने का काम नहीं होता है। जब इस तरीके से विरोध करना चालू हुआ तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने घर में पिताजी को बता पाऊं या अपने समाज को बता पाऊं कि मैं एक पानी पूरी बेचने के लिए और ठेला लाने के लिए, किराए से ठेला लाना था उस समय, मतलब खुद का ठेला भी नहीं था, जो चलाते हैं ना ठेला वो खुद का भी नहीं था, तो किराए से लाने के लिए जा रहा था, तो पिताजी को मैं बता नहीं सकता था, घर में मैंने चर्चा किया तो विरोध किए थे कि हमारे समाज में ऐसा होता नहीं है, तो मैंने बोला नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, विरोध करेंगे तभी चला जाए, बोले समाज जो है हमें जाति से निकाल देगी, मैं बोला कोई दिक्कत नहीं जाति से निकाल देगी लेकिन खर्चा तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो जब मैंने जाति के जिद्दी से लाने जा रहा था उसी समय मेरा एक दूसरा पिताजी है जिसको ससुर जी बोला जाता है, वो भी हमारा आदरणीय अभी इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने हमारे समाज से लड़ने की जो मुझे क्षमता दी वो एक कहीं ना कहीं लाइफ टाइम तक मैं याद रखूंगा। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप ठेला लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर समाज लड़ता है ना तो समाज से मैं लड़ूंगा, क्योंकि आज हमारे समाज में हर कोई हर काम कर रहा है, हम लोग गरीबी के उस तथ्य से इसीलिए नहीं उठ पाते हैं कि हमारे समाज में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इस तरह के काम नहीं करने हैं, इस तरीके से अचीवमेंट नहीं लेना, इस प्रकार से फाउंडेशन बहुत था, तो इसको लेकर के उन्होंने बोला कि मैं समाज से लड़ूंगा। जब उस ससुर जी ने कहा तो मेरा जो सीना था वो ऐसा तन गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि समाज के साथ मैं खड़ा रहूंगा, तब मुझे हिम्मत आई और मैंने वो ठेला लाया, और ठेला लाने के बाद मैंने पानी अब जानते हो हर काम में एक्सपर्ट होना और अनुभव होना बहुत जरूरी होता है, तो मुझे अनुभव नहीं था, तो जब मैंने पानी पूरी बनाना चालू किया तो पहला दिन आज भी मुझे याद है और जीवन भर याद रहेगा, मैंने 56 रुपए की पानी पूरी बेची थी पहले दिन, आज भी वो याद रहेगा हमेशा, और आप जानते हो पहला जर्नी हमेशा याद रहता है, तो 56 रुपए यानी कि 56 रुपए का मैंने पानी पूरी बेचा था। उसके बाद उसका भी अनुभव नहीं था तो उसमें भी लॉस होने लगा, फिर धीरे धीरे मैंने लोगों से मिलना चालू किया कि भाई मैं इससे कैसे प्रॉफिट ले सकता हूँ, फिर जो जो गुपचुप बेचता था उनके साथ क्या करता था, जाता था और खा के देखता था, एक दिन में मैं तकरीबन 5-7 ठेला में जाता था और पानी पूरी देखता था कि ये कैसे बनाता है वो कैसे बनाता है, फिर उसको आकर के मैं कॉपी किया करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे 2 साल लगे 200 रुपए कमाने के लिए, आप सोचो 200 रुपया पर डे कमाने के लिए जो लागत होता है पानी पूरी में, जो लागत होता है उसके अलावा
दो साल लगे मुझे 200 रुपए कमाने में। आप सोचो लाइव अटोमी कर रहे हो आप लोग को, अटोमी हमारा 3 जनरेशन का बिजनेस है। अब 3 जनरेशन के लिए जब अटोमी आई है 100 साल के लिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम 1 महीने 2 महीने सफल हो सकते हैं। जब मैं पानी पूरी में 200 रुपए कमाने के लिए 2 साल लगे मुझे, ग्राहक जमाने के लिए, सीखने के लिए, ग्राहकों को सही सामान देने के लिए, ये चीजें मैंने किया। अब क्या किया, जब मैं आगे बढ़ता गया तो गांव में 200 रुपए से सर्वाइव करना मुश्किल था। 200 रुपए सर क्या होता है, आप देखिए 200 रुपए जी जी 200 रुपए सामान काटने के बाद, लेकिन अगर खर्चे वगैरह को मिला करके देखा जाए तो बचता नहीं था। हमने आज तक, अभी अटोमी में जब से आया हूँ तब से मैं पैसा देख रहा हूँ। इससे पहले आपको बता दूं, मैंने लाइफ में पैसे तो टीवी में देखे थे, अपना खुद का पैसा 30,000 रुपए नहीं रखा था, ओनली 30,000 कभी नहीं रखा। अटोमी से पहले देखा था किसी का, लेकिन उससे पहले अपना खुद का पैसा मैंने कभी नहीं रखा। अब सोचे मेरे लाइफ में कितना गरीबी रहा होगा जो 30,000 रुपए कभी लाइफ में रखा नहीं अटोमी से पहले। ये सिर्फ 6 महीना हुआ है कि हम लाखों रुपए देख रहे हैं। तो ये जब ये चीजें थी तो मुझे लगा जो व्यक्ति बोलता था उस पे मैं काम करना चालू कर देता था। तो गांव में अब जानते हो कि फ्री में सलाह देने वाले बहुत होते हैं, तो बहुत ये सब मेला होता था। आप लोगों के क्षेत्र में भी मेला होता होगा, मेला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ क्या कमा लेंगे, आप सप्ताह में जो मेला होता है उससे आप दुकान लगाओ, उससे कमा लोगे। मुझे भी लगा भाई दो पैसा हर कोई कमाना चाहता है, मैं फिर वहां पे मेले पे जाने लगा। जब मेले पे जाने लगा तो वहां भी अनुभव नहीं, अब यहाँ तो अनुभव मैंने जमा लिया, लेकिन वहां पे दुकान कैसे बनाना है, हाँ किस तरह मुंह होनी चाहिए, कहाँ पे दुकान होनी चाहिए जो ग्राहक खींचा चला आए, कैसे टाइप से मेला में दुकान लगाया जाता है, ये सारी चीजें मुझे अनुभव नहीं था। जहां मिले वहां चले जाता था, नुकसान ही होता था। और उम्मीद थी कि दो पैसा कमा लूं, लेकिन कमाता नहीं था, नुकसान होता था। घर में भी गालियां देते थे, इधर भटक रहे उधर भटकते हो। और जो मेला होता है ना सर हमारे इधर, तो नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और इस समय ठंड जो होता है खूब होता है। तो मैं क्या है, बच्चों को लेकर के ना, जो छोटा बच्चा था मेरा, उसको लेकर के मैं ठंड में भटकता था, और रात रात भर, मतलब कभी बारिश हो जाती थी, कभी और कुछ हो जाता था। और धन्यवाद करूंगा कि अपनी पत्नी का, जिन्होंने मुझे हर एक दुख पे हर एक सुख पे साथ दिया। जैसे मैं मेला जाता था तो मेरे साथ जाते थे, और रात को जब हवा तूफान चलती थी ना मेला में, आंधी तूफान पानी, तो उस समय हम लोग रात भर ऐसे पकड़ के खड़े होते थे, जो झोपड़ पत्ती होता था तंबू, खड़े होते थे। नीचे में हमारा सामान, मैदा, आटा, अच्छाना, बेसन, जो भी हमारा मटेरियल हुआ करता था, और लकड़ी, उनको बचाने के लिए हम लोग रात भर खड़े रहते, हम भीग जाए, लेकिन वो चीजें नहीं भीगनी चाहिए हम लोग सोचते थे। और रात भर खड़े रहते थे हम लोग। जब बारिश होती थी तो फिर सवेरे उस तंबू को बनाते थे, और इतना संघर्ष करते थे कि जैसे हम मेला से आते थे ना, 3 दिन तक इतना थकावट, ऐसा लगता था कि हमारा शरीर पूरा टूट चुका है। फिर इसी प्रकार से एक मेला में एक व्यक्ति मिला, उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मेला में बहुत कम आते हैं। तो हमने बोला भाई क्या करते हो, दुकान गांव में लगाते हो तो उससे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो बोले नहीं, हम लोग शादी ब्याह में टेंडर लेते हैं खाना बनाने का, हलवाई का। मेरा भी दिमाग खुल गया, हाँ कैटरिंग वाला काम। तो मेरा भी दिमाग खुला कि मैं भी इस काम को करूं, क्योंकि चाह थी कि कुछ ना कुछ करूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमेशा चाहती कि कुछ ना कुछ बड़ा करूं और कुछ ना कुछ नया करूं जो अपने गांव से अलग हो। तो फिर क्या किया मैंने, हमारे गांव में वो भी नहीं था, तो मैंने क्या किया, देखा कि कौन हलवाई है जिससे मैं वो मतलब मिठाइयां बनाना, खाना बनाना, सब्जी बनाना सीख सकूं। फिर मैंने अपना जो दुकान था गांव में लगाना चालू किया, और पता किया कि हाँ, तो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर एक मिस्त्री है, उससे मैं मिलने के लिए दुकान बंद करके चला गया, और बोला मैंने आपको ऑर्डर आया तो आप मुझे पैसे देना या मत। सोचो काम करने की जुनून क्या होती है। मैंने उनको बोला आप मुझे पैसा देना या मत देना, लेकिन काम पे जरूर बुलाना। ये होता है काम सीखने का जुनून। ये कब की बात है सर, ये कब की बात है सर? सन 2012-13 की बात। अच्छा ओके, सन 2012-13 की बात है। तो जब मैं उस समय सीख रहा था इसको, तो सीखने के लिए मैं हमेशा जाता था, तो वो मुझे पैसे नहीं देता था। अब हर कोई मान के चलो, मैं अगर हलवाई हूँ और फ्री में कोई वर्कर मिल रहा है तो मैं पैसा क्यों दूंगा। तो उसका भी बल्ले बल्ले था। तो
मैं उसके साथ में काम करता था और मेरा काम करने में ध्यान कम था, सीखने में ज्यादा ध्यान था। जैसे अगर हम एटोमी बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यक्ति सीखने में अगर ज्यादा ध्यान लगाए तो वो ज्यादा सफल हो सकता है। क्यों ज्यादा सफल हो सकता है? क्योंकि वो सीख रहा है। तो इस प्रकार से मैं सीखता था। फिर धीरे 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 क्या है, मैंने भी काम करना स्टार्ट किया तो छोटा छोटा मुझे 4,000-5,000 रुपए यानी कि 1,500 रुपए का मुझे ऑर्डर मिलता था ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात, 1,500 बहुत बड़ी बात थी। और मैं 2-3 वर्कर लेकर के जाता था और 1,500 में दिन भर लकड़ी का जो भट्टी होता है उस पे बैठ करके ऐसे केवचा चलाया करता था, जो चम्मच होता है ना बड़ा वाला, जिससे बड़ी बड़ी सब्जियां बनती है, बड़े बड़े लंगर लगते हैं, तो वैसा बनाया करता था। और आग से इतना पसीना निकलता था, एक हमेशा गमछा रखा करता था जिससे वो पसीना पोछा करता था, और आग से करते थे। और 3-4 दिन अगर शादी का सीजन होता था तो पूरे अगर सीजन को मिला है 3-4 महीना, अगर दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक की बात करें तो हमारे गांव में मार्च अप्रैल में ही ज्यादा शादियां होती है, क्योंकि हम लोकल थे तो लोकल ही ऑर्डर मिलेगा, ऐसा तो है कि नेशनल मिलेगा या अच्छे लोगों का मिल सकता है, वो मिलता नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे सिर्फ खाना बना लिए और रसगुल्ला बना लिए और नाश्ता बना लिए, सिर्फ इतना, इतने का हमें 1,500-2,000 मिलता था, उतने में भी हम खुश रहा करते थे, क्योंकि हमें वही चीजें बड़ा लगा करता था, क्योंकि हमने 200 के अलावा का भी देखा नहीं था, वो भी खर्चे हो जाते थे। तो 1,500-2,000 की जर्नी थी, तो उस पे हम लोगों ने धीरे धीरे उसको 5,000 दे दिया, 7,000 किया। उस समय सर मतलब कि महीने का कितना कमा लेते थे जब उस समय, जो आप पूरा महीने का अगर 4 महीने का बचा लिए तो 8-10,000 4 महीने में बचा लिए 8-10,000 बताते थे, उसमें हम लोग बहुत खुश होते थे। और एक चीज अगर कपड़ा ले लिए या घर के लिए, मानो एग्जांपल के लिए अलमारी ही ले लिए, तो बहुत खुश कि हमने 4 महीने में एक अलमारी खरीदी है 3,000 रुपए की, तो कैटरिंग से हमने कमाए थे। तो उसमें क्या है, हमारा शरीर थक जाता था, फिर भी हमने बहुत कोशिश किया और माइंड हमेशा डाइवर्ट होते रहता था, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। बचपन से यही था, क्योंकि मैं बचपन से घर पे रहा नहीं करता था, घुमा करता था इधर उधर, बहुत बचपन से मैं घर से गालियां खाया करता था हमेशा कि ये बच्चा घर में रहता है, पता नहीं क्या करेगा, इसका क्या होगा। इसीलिए मेरी जल्दी से शादी कर दिया गया कि कम से कम जाएगा, मतलब घर में कम से कम रहे ये बंदा, क्या शादी होगा तो कम से कम घर तो वापस आएगा। इसीलिए शादी कर दिया गया कि जल्दी से तो आएगा कम से कम घर में। ऐसा था, तो मैंने क्या किया, सन 2016 में सर इसी प्रकार से मेरी जर्नी रही। तो मैं तकरीबन सन 2017-18 तक भी अगर मैं बात करूं तो यही था मेरे जीवन में, 8-10,000 रुपए कमा लिए तो बहुत होता था, और उसमें भी हमें मतलब ईगो होता था कि 8-10,000 4 महीने में कमा लिए, बचा लिए, ऐसा हमें लगता था। लेकिन सन 2016 में एक हमारे गुरुजी थे, जिसको हमें फेसबुक से आज भी गुरुजी मानता हूँ, हेमंत कुमार करके हैं, जो कि बेसिकली रहने वाले तो हरदोई जिले के यूपी से हैं, लेकिन वो रहते दिल्ली में हैं। उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया फेसबुक से, और मैं अगर बेसिकली गाँव से हूँ तो मैंने कभी शहर देखा नहीं था। आपको बता दूं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है ना, तो रायपुर जो होता है उसको देखने के लिए जब कभी हम जाते थे रायपुर, तो एक्साइटमेंट समझो 1,000 गुना होता था कि हम लोग रायपुर देखने जा रहे हैं, ऐसा राजधानी जा रहे हैं, राजधानी देखने जा रहे हैं। राजधानी जाना था, राजधानी एक्साइटमेंट तो खूब था, लेकिन एक डर था, क्योंकि हमें कई लोगों ने बताया था कि दिल्ली में लोग बुला करके बंधक बना लेते हैं, बंधुआ मजदूर बना लेते हैं, वहां काम कराते हैं ऐसा। लेकिन एक भरोसा होता है ना, रिस्क, बेगर रिस्क के आप सिक्स नहीं मार सकते गेंद को, या तो आप आउट होंगे या तो सिक्स मारेंगे, ऐसा करके अगर आप बैट घुमाओगे तभी आप सिक्स मार सकते हैं। तो हमने सोचा नहीं, जाना चाहिए। हमें घर से मना किया था, बीवी मना की थी, परिवार मना किया था कि मत जाओ, फिर लेकिन हमने अपनी जिद्दी करके दिल्ली गया। और दिल्ली में जब थे तो भी हमें डर था, कहीं ये हमें जानते नहीं थे कहीं जगह को, कहीं ये बंद ना बना ले। फिर आने के बाद ट्रेन में चढ़ गए वापसी के लिए, तब भी डर था कि रास्ते में वो फोन करके किसी को बोल ना दे फलाना जगह पे एक आदमी है जाके लूट लो, ऐसा मन में डर था, मन में डर। वापस दिल्ली से बिलासपुर आए, वहां से कुछ सीखा, उन्होंने बताया कि आप क्या करते हो, तो मैंने बताया सर छोटा छोटा कैटरिंग का काम करता हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरे फायदे का बात बताई, उन्होंने बताया देखो किसी भी व्यक्ति को उसके फायदे का बात बताओ तो वो ज्यादा सुनता है। जी, तो उन्होंने बोला कि आप केटरिंग का काम को बड़ा करना चाहते हो क्या? तो मैंने बोला बिल्कुल। तो बोले कि आप इसको कैसे बड़ा कर सकते हो, जब आपके पास पैसे होगा तभी आप बड़ा कर सकते हो, तो पैसे आप कमाओ।
कमाओगे कैसे। तो उन्होंने मुझे सन 2016 में एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी बताई, विन नेचर इंटरनेशनल। अच्छा, विन नेचर इंटरनेशनल ने से ही मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझने लगा था। मतलब उस कंपनी में जब मैं ज्वाइनिंग हुआ तो 6000 रुपए की ज्वाइनिंग थी, 2 लेग का प्लान था। तो वहां पे मुझे शुरुआत से बताया गया कि एक लेफ्ट लगाना है, एक राइट लगाना है, और आपको दोनों तरफ से परचेजिंग होती रहेगी, आपको पैसे आते रहेंगे और आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। सिर्फ ये चीजें मुझे समझ में आई थी, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को नहीं जानता था। फिर थोड़ी दिन बाद मैंने किया, 1 से 1.5 महीना, फिर यहाँ पे आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारी इंडिया के कंपनियां कैसी होती है, ये 2 भागों में डिवाइड हो गए। एक इसी में से एक निकल के आ गया असाला आयुर्वेदा, इसी में से निकल के आ गया ओजोन लाइफ मल्टी केयर, इसी में से एक और निकल के आ गया। मतलब देखे तो मैन्युफैक्चरिंग वही, प्रोडक्ट वही, सिर्फ नाम और जो पंपलेट है वो दूसरा, बैकग्राउंड मतलब ये जो बेसिकली जी मतलब पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो गया, उन लोगों ने अपनी अलग अलग कंपनियां बनाई। राइट, एमडी में और सीईओ में हुआ तो 2 कंपनी हो गई, फिर उनमें कुछ कुछ हुआ तो फिर 3 कंपनी हो गई। तो इस तरीके से देखा कि सफल नहीं होते, ऐसे करके हम लोग भटक गए। फिर जो हमारा जो गुरुजी बता रहे हैं वो भी उसी पे करते थे, धीरे धीरे वो भी डाइवर्ट होते गए। फिर उन्होंने भी छोड़ दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सही नहीं होता, फिर मैंने भी छोड़ दिया। फिर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग से फिर से नाता टूट गया, फिर हम लोग फिर पानीपुरी बेचने लगे। तो सन 2018 में और सितंबर महीने में तो मैंने ज्वाइनिंग किया था टूमी, लेकिन उससे पहले मुझे अप्रैल महीने में रवि सर है हमारे, वो भी कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी है जिसके बदौलत मैंने इस अटोमी को ज्वाइन किया। तो उन्होंने मुझे फोन किया अप्रैल महीने में, बोले सर एक अटोमी नाम की कंपनी आ रही है, बहुत अच्छी है, बहुत ये है, प्रोडक्ट है। वो मुझे रोज शाम को फोन करता था तो, और मैं इसको हाँ ऐसे फोन लगा के हाँ ऐसा बोला करता था, सुनता कुछ भी नहीं था। ऐसे तैसे तकरीबन सितंबर पहुंच गया, आप लोग जाते हैं सितंबर में गणेश चतुर्थी होता है, तो गणेश चतुर्थी के समय था और गणेश चतुर्थी में मैं एक जगह बैठा हुआ था, फोन किया, बोले सर आपने क्या सोचा। मैं बोला ठीक है ना सर। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, कंपनी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने एक बात बोली, सर फ्री में ग्रीन आईडी लगता है। मेरी दिमाग फट से खुल गया, बोले फ्री में ग्रीन आईडी लगता है। और चूंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा था कि जो आईडी हम लोग लगाते थे वो रेड होता था, उसको पैकेजिंग दे करके ग्रीन कराते थे। तो मेरा दिमाग में आया कि फ्री में ज्वाइनिंग है। अब जानते हो हमारे इंडिया की मेंटेलिटी क्या होती है कि फ्री में अगर कोई व्यक्ति जहर भी देता है तो ले लो साला, अब ले ले, काम आएगा। हमारी होती है तो हमने वो ले लिया। अब उसको समझे नहीं, 2 दिन तकरीबन सितंबर जाने के बाद में हमने इसको समझना चालू किया कि बोले यार है क्या, कि ये आएगी कब, बिजनेस क्या होगा। फिर हमने धीरे धीरे एक वीडियो शॉर्ट में वीडियो बनाना चालू किया, कि उस समय ना तो हमारे पास कंपनी था, ना प्रोफाइल था, ना बैकग्राउंड था, और ना ही हमारे पास वो लैंग्वेज थी, क्योंकि हमारा अपलाइन कोरिया में था तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो लोग बोलते थे कोरियन, और किसी 1-2 अपलाइन से सिर्फ हमारी कनेक्टिविटी थी, संजय मेश्राम सर से और सौस्कर सर से और रवि सर से, ये 3 हमारे अपलाइन होते थे। जो भी पूछना है इन 3 से पूछना है, और 1 से पूछ लो तो 3 से पूछ लिया समझो, क्योंकि एक ही जगह से आता था, ऐसा था। जी, जी। अब मैंने इंडिया में एक मैं ऐसा लीडर था जिन्होंने सबसे पहले अटोमी की वीडियो बनाया। जब मैंने अटोमी की वीडियो बनाई तो मुझे रिस्पांस मिलना चालू हो गया सर। जी, एक दो लोग ज्वाइनिंग होना चालू हो गए। और सबसे बड़ा हमारा टर्निंग पॉइंट आया कि 25 नवंबर सन 2018 में हमारी जो ऑफलाइन सेमिनार की बात करें अटोमी की, तो पहला सेमिनार हुआ था गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में हम लोग शुरुआती लीडर पूरे पहुंच गए वहां पे, जहाँ पे नितेश मीना थे, जहाँ पे सौस्कर सर थे और वीके गौतम जी थे, आनंद जोशी जी थे, बहुत सारे लोग थे जो आज अचीवमेंट लिए हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग थे, और बहुत सारे लोग थे जो आज भी मतलब छोड़ के कहीं चले जा चुके हैं। तो वहां से हमारा टर्निंग पॉइंट आया, फिर हमने इसको सीरियसली लेना चालू किया। हमें उम्मीद लगा कि मार्च अप्रैल तक 2019 में ये कंपनी आ जाएगी, तो फिर एकदम मूवमेंट के साथ में काम करना स्टार्ट किया। और जैसे काम करना स्टार्ट किया सर, हमारी जो चैलेंजिंग है वो और बढ़ गया। चैलेंजिंग क्यों बढ़ गया, क्योंकि जो पानीपुरी का ठेला होता था वो मैं बंद करके चला जाता था मीटिंग में। देखो
मैंने एक चीज सीखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में जो हमारे साथ जुड़े हैं ना, उसको अचीवमेंट दिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी बाद में होता है, वो लीडर हमारे भरोसे आते हैं। तो लीडर क्या करता था, मेरे भरोसे आते थे। तो अगर मेरा पहला सेमिनार बिहार में हुआ, अररिया बिहार में और बेगूसराय में, उन लीडरों ने मुझे इन्वाइट किया और मैं गया। तब उस समय ना तो पैसे होते थे ना कुछ होते थे, तो मैं क्या करता जनरल डिब्बे में जाया करता था, जनरल डिब्बे में जाता था और जनरल डिब्बे में जाकर के वहां पे मीटिंग देता था और आ जाता था। अब मीटिंग में गया हूँ तो 4 से 5 दिन तो लगेगा ही लगेगा। अब 4-5 दिन इधर दुकान बंद मेरा, अब 2 दिन एक दिन आता था, उसमें जो मिलता था वो इधर खर्चा हो जाता था। अब ऐसा करके घर में गालियां देना चालू हो गया, कुछ मिल रहा है ना जुल रहा है, क्या करोगे, कैसे करोगे, घर कैसे चलाओ, चैलेंजेस बड़ा होने लगा था। चैलेंज बड़ा होने लगा तो मैं क्या करता था, इग्नोर करता था, जो भी बात होता था इग्नोर करता था। गांव में बात होने लगी, अच्छा अच्छा खासा पानी पूरी बेच रहा था, कम से कम रोजी रोटी तो चल रही थी घर में, 2 पैसा बच्चे लोग एक रुपए के तिले तरस नहीं रहे थे, ऐसा बोलने लगे। फिर भी मैं इग्नोर करने लगा, मेरा रिश्तेदार बोलने लगा, मेरा परिवार बोलने लगा, मेरे गांव वाले बोलने लगे, अड़ोस पड़ोस बोलने लगे, ये बंदा पागल हो गया है, पता नहीं क्या करेगा कि क्या नहीं करेगा। फिर मैंने क्या किया, सबको इग्नोर किया। फिर धीरे 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 टीम बढ़ते गई, मीटिंग बढ़ते गए। जब टीम बढ़ते गया, मीटिंग बढ़ते गया, तो चैलेंजेस खूब आने लगे। ना तो मेरे पास पैसे होते थे और मीटिंग देना भी जरूरी होता था, तो क्या करता था, घर में जो पैसे होते थे इधर उधर से जुगाड़ करके या किसी उधारी लेकर के मैं जाया करता था मीटिंग देने के लिए, और इधर मेरी हालत और खराब होने लगी। अब कंपनी लॉन्च नहीं हो रही थी, चैलेंज और बढ़ने लगा। जब इस तरीके से चैलेंज बढ़ने लगा तो सर कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा कि मैंने एक दिन ऐसा पॉइंट आया था, किस वक्त वो पॉइंट आया था आपको बताना चाहूंगा सर। उस वक्त ये चैलेंज मेरे पास आया जिस वक्त लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन हो गया तो दुकान तो बंद हो गई। सन 2020 में आप लोगों को पता है कि मार्च में लॉकडाउन हो गया। अब एक दो दिन में दुकान खोल रहा था वो भी बंद हो गया। अब मैं करूँ क्या, तो मैं क्या करता था, अपने पिताजी के साथ एक छोटा सा जो बाड़ी होता था ना उससे एक सब्जी लगाया करता था। तो सब्जी लगाया करता था, फोन पे इतना मैं धूत होता था कि सब्जी की तरफ ध्यान नहीं होता था, डालना होता था कुछ और डाल देता था कुछ और। जैसे बीज डालनी थी मुझे, पालक की बीज डालनी थी तो वो मुझे बताया गया था कि आपको ये 5 क्यारियों में डालनी है या 10 क्यारियों में डालनी है। मैं उसको 2 ही क्यारियों में पूरा बीज डाल देता था, क्योंकि ध्यान फोन पे होता था। ध्यान डर में फिर गालियां देते थे, तुम क्या करोगे समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरी पूरी फसल बहुत अच्छी तरीके से, देखो लॉकडाउन में सिर्फ एक ही साधन था कि जो, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन में सिर्फ और सब्जियों को छूट मिला था, तो सब्जी को लेकर के हम जाते थे जिससे हमारा सिर्फ खर्चा चलता था, और चावल तो गवर्नमेंट से मिलती थी, जो हमारी राशन कार्ड होती है उससे मिलती थी, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो हफ्ते में एक दिन मैं लेकर के जाता था उस सब्जी को, उसी से हमारा मतलब नमक मिर्ची का तेल का खर्चा निकल जाता था। जब वो खर्चा निकल जाता था तो एक दिन मैं क्या किया, मोबाइल में इतना दूध था कि दवाई उस पे डाल रहा था, जो कीटनाशक है वो डाल रहा था, बाय मिस्टेक मैंने उसमें सफाचट डाल दिया जिससे फसल बर्बाद हो जाता है, जो खरपतवार होता है ना उसको मारने के लिए एक दवा आता है, और उसको मैंने बात करते करते पूरा फसल पे छिंक दिया, दवाई पूरी डाल दी। ओके। पूरा दवा डाल दिया, उसके बाद मैं चला गया उसी कैटरिंग के काम में, खाना बना ले जाकर, उधर बड़ा बना रहा हूँ, बड़ा डाल रहा हूँ इधर कढ़ाई पे, घर से फोन आता है, बोले दवाई कौन सा डाला है, मैंने बोला कीटनाशक, इधर आके देखो तो पूरा फसल जल गया, पूरी फसल जल गई। अब पूरा फसल जल गया, घर में रोना धोना चालू हो गया। बोले घर का खर्चा कैसे चलेगा, अब क्या करेंगे। तो क्या है, पैसे उस समय होते नहीं थे, एक दो लोगों से मतलब उधारी करके काम चला रहा था, घर में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई थी। एक दिन मुझे इस बात से डिस्टर्बेंस उस दिन मेरा दिमाग में थोड़ा सा हुआ था, जिस दिन मेरे बच्चे ने, छोटा बच्चा था मेरा उस दिन, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा सर लगता है आपका, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस कॉल आ रहा था।
ओके ओके, मैं आपको ऐसे को-होस्ट कर दिया। ओके तो मैं वहाँ पे उस आज भी मेरा बच्चा जो छोटा वाला है वो क्या है पैसा हमेशा मांगते रहता है, 2 रुपए दे दो, 1 रुपया दे दो पापा ऐसा करके। तो उन्होंने मुझे उस दिन 1 रुपया मांगा था, 1 रुपया। आज भी ये बात को मैंने सक्सेस एकेडमी में भी बोला, आप लोगों ने सुना होगा। जी जी सुना। 1 रुपया मैं अपने बच्चे को नहीं दे पाया तो बहुत ही दुख हुआ। उस दिन मैं थोड़ा आधे घंटे जा करके आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं है, मैं आधे घंटे जा करके ना रोया था। उस दिन मुझे लगा था कि मैंने, मेरी औकात ये है कि मैं अपने बच्चे को 1 रुपए नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। उस दिन में मुझे थोड़ा सा डाउट फील हुआ अपने ऊपर, लेकिन कोई नहीं, मैंने बहुत लोगों की जर्नी पढ़ रखी थी। एक तो अब्दुल कलाम की पढ़ रखी थी मैंने, मोदी जी की पढ़ रखी थी और सचिन तेंदुलकर की पढ़ रखी थी, बड़े बड़े जो स्टार्स हुए उनका जर्नी पढ़ रखा था। तो उनका एक चैलेंज हमेशा होता है, जीत और चैलेंज होता है, और एक ऐसा समय आता है कि उन लोग ऐसा लगता है कि मैं ये सब छोड़ दूं, ऐसा उनके जीवन में भी आता है, ये उन लोगों ने खुद ही बताया था। और जब मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ी थी तो एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश का राष्ट्रपति कहलाए, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक बार आत्महत्या करने के लिए गया था, ये जीवनी मैं उनकी पढ़ी थी। वो इतना टूट चुका था कि आत्महत्या करने के लिए गया था वो अपने गरीबी के नाम से और अपने अनएजुकेशन के नाम से, क्योंकि उन्होंने अपने बैंक से उधारी लेकर के पैसा लिया था। एपीजे अब्दुल कलाम का आप कभी भी पढ़ना, तो उन्होंने अपनी बैंक से पढ़ाई के लिए पैसे लिए थे नौकरी लगेगा करके, लेकिन उनका नौकरी लगा नहीं तो वो आत्महत्या करने के लिए गया था। तो उनको एक व्यक्ति मिला था जिन्होंने बताया था कि आप नौकरी करने के लिए नहीं बने हैं, नौकरी देने के लिए बने हैं। तो वो चीजें उनके माइंड में आई थी और वो आत्महत्या करने से वापस आया था, वो चीजें मेरी दिल में था। तो मैंने अपने आधे घंटे तक रोया, आधे घंटे रोने के बाद में मेरे माइंड में ये आया कि नहीं, ये सिचुएशन सबके पास आता है, अगर ये सिचुएशन है तो 100% मैं कामयाब होऊंगा। फिर मैंने एकदम ठान लिया और फिर से काम पे शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैंने कभी डिस्टर्बेंस हुआ नहीं एटोमी से, ध्यान रखें। उसी दिन मैंने आधे घंटे के लिए डिफरेंस हुआ था कि मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कंपनी नहीं आएगी तो क्या होगा। तो फिर मैंने बोला फिर पानी पूरी बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल खराब होगा, ये मैंने मान के फिर आगे बढ़ना चालू किया। जब आगे बढ़ना चालू किया तो आज आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं एटोमी में डायमंड मास्टर हूं, और एटोमी की दूसरी सक्सेस एकेडमी में मैं वहां पे गया था, जो कि आज इंडिया ही नहीं पूरी 18 कंट्री में 18 लैंग्वेज में, जो जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज में मेरी लाइव स्टोरी आप लोगों के साथ है, और मैं लाखों रुपए आज महीने का कमा रहा हूँ। और आप सभी को पता है कि मैंने अभी 18 से 20 लाख रुपए की लग्जरी किया सेल्टोस HT के प्लस टॉप मॉडल वेरिएंट मैंने अभी गुरुवार को ही लेकर के आया हूँ। ये आप लोगों के साथ में मैंने अपना जो जर्नी था, तो सोचो इस जर्नी से मैं उठ करके आप लोगों के साथ में आ सकता हूँ, तो आप लोग पॉसिबल है। बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल एकदम, मतलब कि एकदम आप भी एक आइडियल स्टोरी है। अब आपकी भी जीवनी हम लोग पढ़ा करेंगे और जितने भी आने वाला जो जनरेशन है आपकी जीवनी को भी पढ़ के इंस्पायर होंगे, क्योंकि आपने वो कर दिखाया है। 1 रुपया आप अपने बच्चे को नहीं दे पाए थे और आप आधे घंटे आप रोए थे, आपकी वो बात बिल्कुल मतलब कि दिल को टच कर गई। और मतलब कि सर बहुत बहुत मतलब कि आपने एकदम मतलब मिसाल है। मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना है नेटवर्क मार्केटिंग में कि उन्होंने इतना संघर्ष किया, अपने बीबी के गहने बेच दिए, तो ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन आपका संघर्ष उन सब के मामले में बहुत ज्यादा मतलब कि सैल्यूट है सर आपको। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा बिल्कुल इतना मतलब कि ये सब बातें जानना लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे मोटे प्रॉब्लम से लोग भटक जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप 2.5 साल आपको एटोमी में ऑलरेडी हो गए हैं, अभी अभी का क्या मतलब कि अभी जैसे कि आपके परिवार के लोग अभी क्या बोलते हैं कि आपके सफलता को लेके, आपने जो एटोमी में सफलता जो हासिल की, नवंबर महीने से आपको पैसे आने शुरू हुए, तो आपके परिवार में कौन कौन है, थोड़ा परिवार के बारे में बताएं, और अब परिवार का क्या बोलना है आपके बिजनेस के बारे में। आपको बता देना चाहूंगा सर, मेरे परिवार में सभी लोग हैं, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, पापा है, भाई है, और बहु लोग हैं, मम्मी है, सभी लोग हैं मेरे घर में, और सभी अभी बहुत खुश हैं। और पूरी अभी गांव में, मतलब आप देखेंगे ना, तो कोई कामयाब व्यक्ति होता है तो पूरे गांव से लेकर के रिश्तेदार, अभी फेसबुक फ्रेंड या फिर हमारे क्लासमेट हुआ करते थे कई लोगों का, हम अभी कॉन्टेक्ट नंबर रखे हैं, सभी लोग फेसबुक के जरिए जुड़े होते हैं, सभी लोग काफी एक्साइटमेंट है और काफी सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन
जिस समय नवंबर में जब कंपनी लॉन्च हुई थी उस समय मेरे पास एक और छोटा सा चैलेंज आ गया था अकाउंट नंबर की। जैसे मैंने बोला कि काफी सारा पैसा मुझे आ रहा है तो उसमें मेरा अकाउंट नंबर थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैंने आईएफएससी कोड गलत डाल दिया, तो सबका मैचिंग आने लगा और मेरा मैचिंग नहीं आया। तो घर में फिर डाउट होने लगा कि इनको कहीं ना कहीं बेवकूफ बना दिया गया, इनको सिर्फ पैसा दिखा रहा है, इनको आ नहीं रहा अकाउंट में ऐसा। तो मैंने बोला नहीं, मैंने गलती से डाल दिया है ऐसा करके, क्योंकि कुछ लोगों ने, मेरे परिवार के ही लोगों ने बोला था ये बंदा पागल हो गया, इसको रांची ले जाओ। रांची रांची पागल खाना के लिए फेमस है पूरे इंडिया में, बाद में धोनी धोनी के कारण फेमस हुआ। उन लोग थे ना, तो उन लोगों ने देखा इनके इनका पैसा नहीं आ रहा, मैंने बताया सर बैंक में प्रॉब्लम, उनको लगा नहीं ये हो गया इनका काम, ऐसा उनको लगा। लेकिन जब पहली बार पैसा आया ना, तो मेरा आपको बता दूं जो मैचिंग आया मेरा वो 1,10,000 रुपए का पहला मैचिंग आया, जो आपको पता है 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में 1,10,000 रुपए का 24 तारीख को जब पेमेंट आया, तो 24 को मेरा नहीं आया, मेरा दिसंबर महीने में आया, इसे सबका 24 को आ गया था, 22 को माशा से पाटा था और जो जनरल कमीशन है वो 24 के आया था, लेकिन दोनों मेरा कमीशन आया था वो दिसंबर में आया, क्योंकि मेरा अकाउंट नंबर में प्रॉब्लम हो गया था। तो सभी लोग आ गए करके खुश हो गए, मेरा परिवार देखा तो आया नहीं है। जब आप सोचो उस दिन जिस दिन मैं पहली बार अकाउंट से पैसे लाने के लिए गया, उस दिन मैं अपने अकाउंट से 90,000 रुपए अपने हाथ में लेकर के पैसा आया, तो सोचो कितना खुशी होगा, जो 7-8,000 रुपए 4 महीने में कमाता था उस 90,000 रुपए लेकर के घर आया। तो मैंने अपने सबसे पहला अपने बच्चे के लिए साइकिल लेकर के आया। अरे वाह, कितना बड़ा है बच्चा सर आपका, बेटा कितना बड़ा है? एक बच्चा मेरा 10 साल का है, 10.5 साल हो रहा है, और एक बच्चा 6 साल का है। दोनों बेटा है सर? हाँ दोनों बेटे बेटे हैं। अच्छा। एक बेटे के लिए मैंने तुरंत बाइक लेकर के आई। क्यों बाइक लेकर के आया और टीवी लेकर के आया? उस दिन टीवी लेकर के आया, टीवी मैं फेंक दिया था। क्यों फेंक दिया था पता है आपको? क्योंकि मैं बात करता था तो टीवी चलता था ना, घर में डिस्टर्बेंस होता था, मुझे लीडरों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो टीवी और रिसीवर सबको उठा के फेंक दिया था, छतरी केवल लगा था। अच्छा। तो काफी दिन हो गया था घर में, टीवी की भी रिक्वायरमेंट थी और टीवी नहीं था, तो फिर मैंने टीवी और साइकिल उसी दिन खरीद के लेकर आया। तो उस दिन की एक्साइटमेंट को सोचो परिवार में कितना खुश हुए होंगे। जी 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 जी। तो मैंने घर में गुरुवार को कार लेकर के आया, तो घर ही नहीं पूरा गाँव पूरा परिवार खुश था। गांव कौन सा है सर, मतलब बिलासपुर में आप कौन से गांव में रहते हैं? बिलासपुर में मेरा एक छोटा सा गांव है धूमा करके, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 2400 है। अच्छा धूमा, मतलब ये बिलासपुर 4 किलोमीटर दूरी पे लगा है। अच्छा बिलासपुर रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ जी हाँ। अच्छा तो मतलब कि पूरे गांव में पूरे गांव में तो एक मतलब कि एकदम कौतूहल का विषय बन गया होगा कि भाई करण पटेल ने कार खरीद लिया, वो भी इतनी महंगी गाड़ी। राइट। देखो यहाँ पे बात होते थे कि लोगों को पता चलता था ना कि हमने कार जब बुकिंग करके आए थे, तो लोग बोलते थे अरे यार जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति कभी कार ले सकता है क्या? अभी हमने एक छोटा सा घर भी बना लिया है जो कि उसका है, छोटा सा हमने 2 कमरे का मकान भी बनाया है अभी। तो वो बोलता था पहले पानी पूरी बेचता था, कभी ऐसा हो सकता है क्या, कभी कार नहीं ला सकता, ऐसा लोग बोलते थे। और जब कार आया तो सबकी बोलती बंद हो गई, लोग बोलने लगे कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी लोगों को देखो, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, अभी भी लोग बोलते हैं 4 दिन चटक चाहनी है, बाकी दिन ये फिर खिंचा जाएगा, कंपनी वाले ले जाएंगे, ऐसा बातें करते रहते हैं। लेकिन हमें उन सबसे कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे आपको बताया ना कि लोग मुझे घर में बात करते थे और मैं सबको इग्नोर करता था, क्योंकि मेरा लक्ष्य ध्यान इतना था। जिस समय मैं सतोमी को ज्वाइनिंग किया था उस समय जब नवंबर में, हमें सिर्फ ये बात बताया गया था कि यह 3 पीढ़ी का बिजनेस है। तो मैंने एक मेरा लक्ष्य इतना लंबा था कि मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे पूरा जीवन गुपचुप बेचते बेचते निकल गया ना, तो मैं अगर 1 घंटे भी समय देता हूँ, पूरा जीवन 1 घंटे समय दूंगा, तो टीम तो आगे चल के बढ़ेगी और मेरे बच्चे को काम आएगा। ये मेरा लक्ष्य था। मेरा अटोमी से ये कभी भी मैंने इफेक्ट नहीं किया कि मुझे, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे अटोमी से इनकम होगा। मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरे बच्चे को इनकम होगा। और मैंने इतना लंबा लक्ष्य तैयार किया था, सोचो 60 साल 60 ईयर का लक्ष्य तैयार किया था कि मेरे बेटे को इनकम होगा, मुझे नहीं होगा, मेरा जीवन पूरी तरीके से गुपचुप बेचने में निकल जाएगा, पानी पूरी बेचने में निकल जाएगा, जो चपाती होता है कई जगह अलग अलग नाम से उनको बोलते हैं, कई जगह फुल्की बोलते हैं, कई जगह पानी पूरी बोलते हैं, फुचका बोलते हैं, इधर इधर रांची में फुचका बोलते हैं सर। हाँ पुचका बोलते हैं आपके उधर रांची में। तो वो चीजें
बोलते थे और मैं वो चीजें करते करते मेरा जीवन निकल जाएगा, कुछ करते मेरे बच्चे को इनकम होगा, ये मेरा मानना था और अटोमी पे पूरा इतना विश्वास था। लेकिन जिस दिन मैंने समझा कि अटोमी से तो मुझे भी फायदा होने वाला है, मेरा बिजनेस तो बच्चे को जाएगा ही जाएगा, फिर मैंने उस दिन पूरा डेडिकेशन होकर के काम करना स्टार्ट किया था। आपको क्या लगा था, आपको क्या लगा था कि एटोमी, एटोमी में आपने क्या देखा था? जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा आपने पढ़ाई नहीं कर पाए फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, तो आपको मतलब कि एटोमी में क्या समझ में ऐसा बात आ गया कि आपने एटोमी को मतलब कि जुनून के हद तक आपने इसको किया, मतलब कि सारे संघर्षों के बावजूद? आप कोई दूसरा कंपनी करते तो हो सके पैसा कमाने लगते तुरंत में, लेकिन एटोमी किए और एटोमी के चलते आपको बहुत संघर्ष और उसका लंबा हो गया, तो एटोमी में आखिर आपने क्या देखा ऐसा, और आपको आपको क्या लगा था कि एटोमी में कब तक पैसे कमाने लगेंगे जितना मेहनत आप कर रहे थे? राइट राइट, और वैसे इसका मैंने कुछ चीजें कवर कर रखा है। अभी यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं एटोमी बिजनेस में आया था ना, तो मेरे पास जब यूट्यूब पे वीडियो चलते थे तो मेरे पास बहुत सारे कंपनियों के लीडर्स आते थे। जब बहुत सारे कंपनियों के लीडर्स आते थे तो मैं देखता था हमेशा कि हर लोग अलग अलग प्लान को बताते थे, और अटोमी में मुझे एक चीज क्लियर थी कि ये तीन पीढ़ी का बिजनेस है और ये पैसिव इनकम है, ना कि एक्टिव इनकम। ये बात मुझे समझ में आ गई। जब मैंने समझा था कि ये पैसिव इनकम है तो इसको पैसिव इनकम की ही तरह किया जाए। जिस प्रकार से हम पढ़ाई को करते हैं बचपन से, आज देखो हर बंदा क्या करता है अपना छोटे से बच्चे को, अगर हम बात करें तो 3 से लेकर 4 साल जब होता है तो बच्चे को KG1 KG2 से पढ़ाते हैं और 24-25 साल तक लगातार पढ़ाते हैं। तो उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि जब 24 साल हम अपने बच्चे के करियर के लिए खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको एक पैसिव इनकम या फिर एक अच्छा व्यक्तित्व या फिर उनको एक अच्छा पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पैसा अच्छा कैसे कमा सकता है वो जब उसको एक अच्छा जॉब होगा, जब उसकी बिजनेस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, ये चीजें उन लोगों में होनी चाहिए, इसलिए हम उस बच्चे को पढ़ाते हैं। राइट, क्योंकि आप 3 साल से लेकर 24 साल तक बच्चे को पढ़ाई करते हो, तो ये कहीं ना कहीं एक पैसिव इनकम होता है, जिसको मेरा माइंड में आ गया था और इस चीज को मैं समझने लगा था। तो उस वक्त मैं क्या है, काफी सारे कंपनियों को स्टडी करने लगा था। क्यों स्टडी करता था, इसका कारण बताता हूँ कि मुझे दूसरे कंपनियों के लीडर्स को जवाब देने होते थे एटोमी के मामले में। तो मैं एटोमी का कंपनसेशन प्लान चेक पूरी तरीके से स्टडी कर रखा था, कंपनी का प्रोफाइल देख रखा था, कंपनी का बैकग्राउंड देख रखा था, कंपनी का अवार्ड रिवार्ड देख रखा था जो कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, कंपनी का एक्सपोर्ट अवार्ड देख रखा था, कंपनी को गवर्नमेंट सेक्टर का जो हमारे केरी है वो देख रखा था। उसके साथ में मैंने कंपनी का कल्चर ऑफ शेयरिंग देखा था। कल्चर ऑफ शेयरिंग मतलब जो स्कूलों में डोनेट किया जाता है, जो गरीबों को दिया जाता है, वो मुझे बहुत मतलब दिल में टच कर गया था। दिल में टच कर गया था क्योंकि मैं गरीबी से उठा हुआ था, मैं जानता था कि किसी का मदद करना कितनी बड़ी बात होती है, और आज भी मैं वो उस पे बिलीव करता हूँ और अभी भी मैं पैसे लोगों को दे देता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो मैं उन लोगों को आज भी पैसे देता हूँ। तो वो चीजें मेरी दिल में थी कि कहीं ना कहीं अगर हम इस कंपनी में बिलीव करते हैं तो अगर हम इस कंपनी में आने वाले समय में हमारा पैसा भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं कमाते हैं। और ये चीजें था कि चलो टूथब्रश तो हम खरीद ही लेंगे, 400 रुपए का प्रोडक्ट आएगा। उस समय मैं बताता था, बताया जाता 300 रुपए में पेस्ट आ जाएंगे, चार पेस्ट 2 महीने में तो खरीद ही लेंगे, कौन सी कंपलसरी है एटोमी में, तो 4 महीने में 2 साल में अगर 250 भी जमा करेंगे गुपचुप बेच के तो भी तो ले सकते हैं, ऐसा मेरे माइंड में था। तो ये चीजें मैंने जब देखा कि हमारा जो पैसा है, अगर मैं 400 रुपए देता हूँ उनमें से 5 रुपए भी किसी गरीब को जाता है, तो ऐसे आवाज नहीं आ रहा सर, आपका आवाज म्यूट हो गया सर। तो वो चीजें मैं देख रखा था कि यहाँ पे हमारा ऐसे में हम किसी को डोनेट नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा 5 रुपए भी जा रहा है एटोमी के माध्यम से किसी गरीब को, किसी बच्चे को पढ़ने में हेल्प हो रहा है। ये चीजें मुझे क्लियरिटी थी। दूसरी चीज मैंने बताया कि मेरा लक्ष्य क्या था। मैंने जब एटोमी ज्वाइन किया था तभी 60 ईयर का लक्ष्य था कि मैं एटोमी में पैसा कमाऊंगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एटोमी में मेरा बच्चा पैसा कमाएगा ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा जीवन पूरी
पानीपुरी बेचने में निकल जाएगा, ऐसा मेरा मानना था। अब इस बीच में आपको बता दूं, सोचो जिस समय एक रुपए मैं बच्चे को नहीं दे पा रहा था उसी समय मुझे 4 लाख रुपए का ऑफर आया था। जिस समय मैं अपने बच्चे को 1 रुपए पैसे नहीं दे सक रहा था उस समय मुझे दूसरी कंपनी से उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसिडर और उस कंपनी को प्रमोट करने के लिए मुख्य प्रमोटर बनाने के लिए 4 लाख रुपए का। एक कंपनी चलती है, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस व्यक्ति के एमडी ने मुझे फोन किया और आपको बोला कि 4 लाख रुपए हम आपको देंगे। मतलब 4 लाख रुपए आपको मार्केटिंग के नाम पे, खर्चे के नाम पे आपको देना चाह रहे थे कि भाई 4 लाख रुपए लीजिए, आप इसको जैसे इस्तेमाल करना है लेकिन आप हमारी कंपनी में आ जाइए। राइट, हमारी कंपनी को प्रमोट करिए, फिर यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, पता नहीं कंपनी आएगी कि नहीं आएगी, आपसे डाटा लेकर के चली जाए, ऐसा वो बोलता था। उस समय में सोचो कितने लीडर इस एक्टिविटी पे बन पाए होते, बताइए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस समय मेरे बच्चे को मैं 1 रुपया नहीं दे सकता था और ऐसा 3 महीना गया था। सोचो 3 महीना, उस समय हम लोग ऐसे खाना खाते थे, सब्जी नहीं होता था तो सिर्फ चटनी से काम करते थे, मिर्ची के भुरके में सिर्फ नमक डाल के उसको फ्राई करके खाते थे हम लोग। उस समय सोचो 4 लाख रुपए का हमें दूसरी कंपनी से ऑफर मिल रहा था, लेकिन मुझे वो 4 लाख आज मिलता कल मिलता लेकिन लाइफ टाइम नहीं मिलता, ये मेरे माइंड पे था, यहाँ बैठा था, यहाँ वो कभी निकला नहीं। इस वजह से आज मैं और उसी समय से सोचो आज हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग किया, तो उन्होंने क्या बोलते हैं सर, आपको बता दूं लोटो यहाँ पे हमने, मैंने कई लीडरों को देखा है कि सर मेरा 12 साल का अनुभव है, मेरा 55 साल का अनुभव है, मैंने 18 साल का अनुभव है, इस इंडस्ट्री को मैंने दिए हैं, लेकिन आपने अचीवमेंट क्या किया? जी जी जी, आपका क्या मिला? आप सिर्फ आपको अनुभव ये मिला कि इतनी प्रकार के कंपनियां होती है, उसके अलावा आपने अचीवमेंट नहीं किया। आपको लगता है कि अटोमी से ज्यादा बेटर कोई दूसरा कंपनी है तो आप उसमें चले जाते हो, उससे बेटर दूसरा कंपनी है तो उसमें चले जाते हो। करते हो तीसरा साल, तीसरा करते हो चौथा साल, तीसरा पांचवा करते हो, पांचवा साल छठवा करते हो, छठवा साल सातवा करते हो, हर एक साल में आप कंपनी बदल रहे हो। इस तरीके से आपने 18 साल का अनुभव ले लिया, अचीवमेंट कभी लिया ही नहीं, सिर्फ आपने कंपनी बदली है। तो ऐसे अचीवमेंट को और ऐसे अनुभव को मैं सब जो कचरे के डिब्बे में फेंक दो आपके अनुभव को, अगर आपको इतना ही अनुभव होता तो आप एक अचीवमेंट ले होते किसी भी कंपनी में, आपने अचीवमेंट क्यों नहीं लिया? आपको इतना ही अनुभव होता तो आप आज पूरी इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल किए होते। आज उतना ही अनुभव होता तो आपके बच्चे का लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका होता। आप बोलते हो 15 साल की अनुभव है सर, मैं यहाँ पे आऊंगा तो क्या मिलेगा? अरे कुछ नहीं मिलेगा, करोगे तो सब जगह मिलेगा। सर एक सवाल है, एक और सवाल है कि आपने बताया कि सर आप 1 रुपया भी, आप 1 रुपया की आपने कहानी जो बताई, मतलब कि लोग बोलते हैं कि एटोमी का प्रोडक्ट महंगा है, ठीक है, एटोमी का प्रोडक्ट महंगा है देसी कंपनियों के तुलना में, तो आपने आखिर इस चीज को कैसे मैनेज किया, कैसे अपनी पॉइंट वगैरह को किया, और आपने ये क्या ऐसा माइंडसेट बनाया कि भाई एटोमी का प्रोडक्ट क्या महंगा है कि सस्ता है, कि मैं कैसे कर पाऊंगा इसमें, और आपने कैसी अपनी पीवी वगैरह किया सर, इस पे थोड़ा सा बताएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आवाज नहीं आ रहा सर आपका, माइक म्यूट है। आपको बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं इस कारण से दिक्कत हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर। ना ना कोई क्या है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको जैसे आपने पूछा कि सर उस समय की सिचुएशन पे आपके पास जब ये हालात थे तो लोगों को प्रोडक्ट महंगा है ये आप कैसे हैंडल करते थे, तो पहले आपको बता दूं सर ये मैं हैंडल ऐसे करता था कि किसी भी कंपनी में अगर हम बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं, सस्ता रो बार बार रो महंगा रो एक बार, ये हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, आपके उधर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, और ये चीजें देखा था। दूसरी चीजें मैंने ये देखी थी कि सारे कंपनी कितना भी सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हमारी इंडिया की नीड के अनुसार। जी 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 सर, जी सर, कंटिन्यू। के नीड के
इंडिया के नीड के हिसाब से कितना भी सस्ता प्रोडक्ट बेच ले, लेकिन वो सब सारी चीजें कंपलसरी एक ब्रांड को आपको प्रमोट करेंगे। ब्रांड को कैसे प्रमोट करेंगे? अगर आप इस प्रोडक्ट को इतना ले लेंगे तो आपको जगवार मिलेगा। जगवार कहाँ की कंपनी है भाई? विदेशी कंपनी है। कितने की गाड़ी है भाई? अगर हम बात करें तो 40 से 50 लाख ऊपर की गाड़ी है। जी, उस चीज को ये कंपनियां खुद ही प्रमोट कर रही हैं ब्रांड को। और जब अपना प्रोडक्ट बेचना होता है तो ये लोगों की माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, कचरा बेच देते थे, कचरा। आज हम एक कंपनी चलती थी RMCL, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, बंद हो गया, बहुत ही फ्रॉड कंपनी थी। आपको बता दूं, उस कंपनी में अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कुछ रिजल्ट था ही नहीं। सिर्फ लोगों को ये बोलता था कि इसका नीड है, ये है, वो है, और लोगों को बार बार रीपर्चेस करने का उसमें ऑप्शन दिया जाता था। तो वो कुछ प्रोडक्ट मेरे पास भी किसी लीडर के थ्रू आए थे, तो मैंने उसको देखा था, रिजल्ट वगैरह कुछ था नहीं। और उसी कंपनी में प्रमोट किया जाता था कि आपको बंगला मिलेगा, कार मिलेगा। तो उस कंपनी में तो फिर मैंने एक चीज ये देखा कि लोग ब्रांड को ही प्रमोट करते हैं। मैंने लोगों को बताया, देखो अगर आज एमवे को देखो, हमारे इंडिया में 28 साल से चल रहा है, महंगे प्रोडक्ट बेच रहा है। फॉरवर को देखो, महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और उसी प्रकार से मोरिंगो को देख लो, अवन को देख लो, या न्यूट्रलाइज को देख लो, जो भी अगर इंटरनेशनल कंपनी है वो हमेशा चल रहा है, भले से स्लो चल रहा है लेकिन कंटिन्यू चल रहा है। आज इंडिया की टीम को देखिए आप, इंडिया की कंपनियों को देखिए, एक दूसरे के अपोजिट में हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि अपना कंपनी को प्रमोट कर, हम लोग ये कर रहे हैं कि ओके लाइफ क्या कर रहा है, वेस्टेज क्या कर रहा है, एमसी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, या फिर हैप्पी हेल्थ इंडिया क्या कर रहा है, अल्टोस क्या कर रहा है, सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं हम लोग ये फोकस नहीं करते कि हमारे, देखो हमें दूसरों की बुराइयां बताने से ज्यादा बेटर है कि हम अपनी अच्छाइयां बताएं। तो ये चीजें मेरी माइंड में थी कि हम लोग अपनी सिर्फ अच्छाइयां बताएंगे, और सच्चाई जो होता है सर हमेशा भी परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। हो सकता है थोड़ी देर लोग बोलेंगे कि... थोड़ी सी आवाज आपकी धीरे आ रही है सर। अभी आ रही है सर? हेलो, हाँ अभी आ रही है सर। ओके और तो ये चीजें मेरी माइंड में था सर, इसको लेकर के मैं लोगों को बताता था कि देखो अगर आपको पैसिव इनकम करना है तो ये आपके लिए है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें से मुझे पता था कि कुछ लोग रहेंगे और कुछ लोग चले जाएंगे, ये मेरी मानसिकता थी। अब यहाँ पे लोगों को मैं इस तरीके से टैकल करता था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों का स्टडी कर रखा था, तो मैं लोगों को ब्रांड बताता था और वो भी समझ जाते थे कि अगर हम इस प्रोडक्ट को धीमा धीमा करते हैं और अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला हमारा हेल्थ सही रहेगा, हमारा पैसा सेव होता है। सर कैसे सेव होता है आपको बता दूं, जैसे आपने देखा होगा हमारा लिक्विड डिटर्जेंट, ये 2 लीटर का आता 1121 रुपए का है, लेकिन अगर आप ब्रांड लोगों से कंपेयर करेंगे तो हमें काफी सस्ता पड़ता है। 20 ml में सोचो 5 kg कपड़ा धुलता है। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 1 रुपए में एक कपड़ा, अब सोचो 1 रुपए में एक कपड़ा नेचुरल तरीके से धुल रहा है, तो वो भी नेचुरल कपड़ा सही है, कपड़ा का कलर सही है, और प्लस हम अपना कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और उससे अगर बात करें तो वो 2 महीना चलने वाली थी, वो 4 महीना चल रहा है। तो जो पैसा हम अगर दूसरे ब्रांड्स के इस्तेमाल कर रहे थे, तो जो हम 1 रुपए हमें लग रहा है वहाँ पे 1.5 रुपए लग रहा था, क्योंकि हम ब्रांड इस्तेमाल कर रहे थे और बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि किस्तों में ले रहे थे तो हमें महंगा पड़ रहा था। यहाँ पे और अचीवमेंट बार बार लेना है, तो जो प्रोडक्ट हमें 1500 का पड़ रहा था वो हमें 1121 का पड़ रहा है। 1121 यानी कि 400 रुपए की आपकी बचत हो रही है। तो 400 रुपए अगर आपका महीने का बच रहा है तो बिजली का बिल आपका बच गया, तो 400 तो आपके सेव हो गए ना। ये मैं लोगों को बता, ब्रांडिंग होती थी कि ब्रांड का फायदा यही होता है। अगर हम ब्रश की बात करें, 100 रुपए का हमारा ब्रश आता है, मिनिमम 6 महीना चलता है। आप आज दुकान से ब्रश आप ले लीजिए, वो 15 दिन नहीं चलते, 10 दिन के अंदर वो फेंकने लायक हो जाता है। पहली चीज उसके रेशे फोल्ड हो जाते हैं, दूसरी चीज वहाँ पे पेस्ट जम जाता है जिसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होती है, तीसरी चीज हमारे जो मसूड़े होते हैं, मस्कूर होता है जिसको हम छत्तीसगढ़ी में मस्कूर बोलते हैं, जिसको मसूड़े बोला जाता है, वो चीजें लोगों में होती है जिसका कारण दांत जो गैप हो जाता है वो हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे नुकसान ही हो रहा है। ये चीजें हम अपने ब्रश को लेकर के बताते, तो ऐसा मैंने ये एटॉमिक को प्रोडक्ट किया कि महंगा है तो इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये लोगों के साथ मैंने डील किया। अब यहाँ पे बात आता है कि मैंने अपना पीवी कैसे किया। जब हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो हमारी हालत ये थी, और जब लॉन्च हुआ था तो हम इस तक कैसे पहुंचे। आपको सर थोड़ा आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है सर, शायद बैटरी इसकी लो हो गई है।
शायद इसकी बैटरी लो हो गई क्या? हाँ उसकी बैटरी, आपकी जो माइक है उसकी बैटरी शायद लो हो गई है शायद। मैं माइक को इससे ऑफ कर देता हूँ, इससे ले लेता हूँ। हाँ हेडफोन, हाँ स्पीकर से ले लीजिए सर। हेलो अभी आ रही है सर? हाँ अभी सही है सर। तो मैं जब इस कंपनी का डेट आया सितंबर महीने में कि ये कंपनी नवंबर में लॉन्च होने वाली है 11 नवंबर को, जब 11 नवंबर को लो ये लॉन्च होने वाली है तो मेरे पास पैसे था नहीं। चैलेंज आए, बहुत बड़ा चैलेंज आया कि मैं इस कंपनी में अपना पीवी कैसे करूं। जी जी फिर मैंने क्या किया, तलाश करना चालू कर दिया पैसा। अब देखो जिसके पास होता नहीं ना तो कोई लोग देते नहीं। बिल्कुल तो सही बात। मैंने बहुत संघर्ष किया, जब मैंने इधर उधर लोगों से मांगना चालू किया तो किसी से मिला नहीं, क्योंकि देखो किसी के पास कुछ होता नहीं ना तो देता नहीं। अगर मैं आज मेरी लाख रुपए की इनकम है, अगर मैं किसी से 5 लाख मांगू तो ये जानता है कि ये 5 लाख रुपए कमा रहे तो दे देगा, लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति होगा 500 रुपए मांगेगा तो नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि ये वाला उठाएगा कैसे। ये लोगों की मेंटेलिटी थी। तो मुझे पैसा नहीं मिलता था तो मैं क्या किया, जो मेरा घर था उसको गिरवी रखने के लिए मैंने लोगों से बात करना चालू किया अपना पीवी बनाने के लिए। जब मैंने लोगों से बात करना चालू किया तो आबादी जमीन थी जैसे मैंने शुरुआत में बताया, तो मेरा घर का डॉक्यूमेंट था नहीं, तो किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। अब मैं क्या करता था, रात रात भर जागता था पूरा 2 महीने तक, कैसे होगा क्या होगा कैसे होगा क्या होगा, मेरा आंख लगती नहीं थी, मतलब कभी नींद आया ही नहीं। दिन भर दिमाग हमेशा ये होता सोचता था कि कैसे होगा, कभी मैंने ये नहीं सोचा उस बीच में कि नहीं होगा, हमेशा ये सोचता था कि कैसे होगा मेरा पीवी। मैं मेरा जो बीवी था वो भी जितना समय आंख खोलती थी रात को मेरा आंख ऊपर खुला हुआ था, वो सो गए होते थे मैं खुला हुआ सोचता था हमेशा कैसे होगा क्या होगा क्या होगा। फिर उन्होंने क्या किया, अपने मम्मी पापा को बताना चालू किया कि पता नहीं ये क्या करेगा, रात रात भर जागते रहता है, पागल हो जाएगा, इस तरीके से उसकी तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसा करके उन लोगों ने बताना चालू किया। तो उन लोगों ने बोला कि देखो ऐसा है तो कुछ हेल्प हम लोग कर सकते हैं, ऐसा करके जो मेरी सासू माँ थे उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने 60,000 रुपए मुझे दिए। अब मुझे पीवी करना था 24 लाख, मेरा मूड था 24 लाख ही करूंगा पीवी, 60,000 रुपए में 24 लाख होने वाला नहीं था, होने वाला नहीं। तो मैं क्या किया, अभी भी सोच रहा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सभी लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, घर में जो गिरवी रखने के लिए कागजात नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरा सासू माँ ने ही मेरी बीवी को बोला कि आप अपना गहना बेच दो। तो गहना जो था ना वो क्या किया था, मेरे ससुराल से मिला था, मेरे पास तो औकात नहीं थी कि मैं खरीद पाऊं, मेरे ससुराल से मुझे जैसे अपने बेटी को दिया था, मुझे नहीं दिया था, अपने बेटी को दिया था, तो उन्होंने बेच दिया, तो तकरीबन हमें उनका वैसे ही मिल गया 60,000 रुपया। अब क्या हुआ, हमारे पास 1,20,000 हो गए, 1,20,000 में भी नहीं होने वाला था, अब 1,20,000 में भी नहीं होने वाला था तो क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। फिर रात भर जगने लगा तो घर में हमारे जो दहेज में ना कांसे का बर्तन मिला था उसको भी बेच दिए। जब वो बर्तन बेच दिए तो बोले इसको क्या करना है, तब वो हमारे ज्यादा नहीं हुआ 10,000 हुआ, तो हमारे पास हो गए तकरीबन 1,30,000, फिर भी हमारे पास पैसे कम है, अब क्या करें। फिर भी सोचता रहा, फिर अपना जो बाइक था मैं किस्त में ले रखा था उसको बेचने की प्लानिंग की, पूरी बात वगैरह हो गई, सारी चीजें हो गई बेचने के लिए। फिर जब बेचने के लिए गया तो उसका कंडीशन देख करके जो बात हुआ था उसमें उतना भी लिया नहीं हो, तो उसको मैंने रोक दिया। मैं बोला क्या करूं समझ में नहीं आया। तो पता नहीं कहां से, अब कहते हैं ना किसी चीज को सिद्धा से चाहोगे तो भगवान भी मदद करता है, वैसे ही दो लोग आ गए मेरे घर के पड़ोस में, दो लोग आ गए लोन देने वाले। अच्छा। अब वो दूसरे के घर में था लोन देने वाला, अब लोन देने वाला आया तो मुझे बुलाया गया वहां पे, आप लोन लेंगे बोले, तो वहाँ पे उन लोगों का पास नहीं हुआ। क्यों पास नहीं हुआ, कि उन लोग पहले से लोन ले रखे थे तो उनका सिविल खराब था तो उनको लोन नहीं दिया गया, तो मुझे बोला आप लोगे, तो मैंने बोला भाई मुझे पैसे की जरूरत है, कैसे दोगे ये बताओ। अरे बोला कैसे दोगे ये बताओ। जब मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि हम गृह उद्योग के लिए देते हैं।
गृह उद्योग के लिए कैसे दोगे? या तो आपके पास गैया होने चाहिए, या सिलाई मशीन होनी चाहिए, या तो आपके पास कुछ जमीन होनी चाहिए, ऐसा बोला। तो ना तो मेरे पास जमीन है, ना सिलाई मशीन है, ना गैया है, तो मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। तो उन्हीं लोगों ने आइडिया दिया कि पड़ोसी के घर से, आप जानते हो ना कमीशन बना रहता है हर एजेंट को, तो अगर किसी के आसपास में सिलाई मशीन है तो ले आओ, एक उसको दे देंगे, और एक भाई के, हम लोग दो लोग थे, तो दूसरे दो लोगों के नाम पे, भाई के नाम पे और एक अपने नाम पे ले लो, ऐसा बोला, और एक गैया ले लो। तो बगल के पड़ोसी के घर से हम लोगों ने क्या किया, जो सिलाई मशीन होता है वो लाए और फोटो खिंचवा दिए। अब फोटो खिंचवा दिए, उसमें हमारा लोन पास हो गया तकरीबन तकरीबन 80,000 गृह उद्योग। ओके ओके ओके। अब एक लोन 80,000 की और पास होनी थी, और 80,000 की और पास होनी थी, तो वो गैया चाहिए था, उसके लिए आसपास में कोई गैया था नहीं। तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपके शहर में भी आवारा गैया घूमते रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 आवारा गैया पकड़ के लाए और फोटो खिंचा दिए, और फोटो खिंचाने के बाद में उस गैये को ढील दिए, मतलब जो बांधे थे बांध के रखे थे उसको फिर से छोड़ दिए, सिर्फ फोटो खिंच, 80,000 रुपए उससे मिल गए। अब 80,000 वो 80,000 वो 1,60,000 हो गया, 1,30,000 इधर से हो गया, तो तकरीबन तकरीबन 3,00,000 के लगभग लगभग पैसे हो गए, और उतने में मेरे 24,00,000 पीवी हो गए। वाह वाह वाह, मतलब कि अभी लोग 10,000 पीवी करने से, लोग 10,000 पीवी करने से पहले सोचता है, आप 24,00,000 पीवी कर लिए। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि करण पटेल सर ने ऑलरेडी प्री लॉन्च में ज्वाइन किया था, और बहुत बड़ी टीम इन्होंने बना दी थी, इस कारण से इनको 24,00,000 पीवी करना जरूरी था एक बार में, क्योंकि इनको नुकसान नहीं होता, नुकसान ना हो। लेकिन आप लोग जितने भी लोग ये स्टोरी सुन रहे हैं, आप लोगों को अपना तो गैया जुगाड़ करने की जरूरत है, ना तो मशीन जुगाड़ करने की जरूरत है, ना तो आपको कुछ बेचने की जरूरत है, आप धीरे 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 करके इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। करण पटेल सर को सुनने के बाद आप ऐसा ये बिल्कुल कतई मत समझिए कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट प्लान है। सर को करना पड़ा क्योंकि सर की ऑलरेडी टीम इन्होंने बना रखी थी बिना किसी अर्निंग के, और ये अर्निंग का समय अब आ रहा था। जी सर, राइट राइट। यहाँ पे आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, गुप्ता सर ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। दोस्तों आप लोग अपने टीम के अनुसार परचेजिंग करें, ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान ये नहीं है, ध्यान रखेंगे। हमें फ्री लॉन्चिंग में जब जैसे टीम हमने बना लिया तो वो चीजें हमारे लिए जरूरी था। दूसरी चीजें मेरे पास चैलेंज ये भी था कि अपने परिवार को भी साबित करना था कि कंपनी अब लॉन्च हो चुकी है, कुछ करके आपने दिखाया क्यों नहीं, इस वजह से मेरे पास चैलेंज था। दूसरी चीज ये है कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ये लाइफ टाइम के लिए किया है, ध्यान रखेंगे, लाइफ टाइम के लिए, ना कि मैंने एक एक टाइम के लिए किया है और ना ही एक बार के लिए किया है, ये हमारा 3 पीढ़ी के लिए है, तो इस चीज का भी आप ख्याल रखें। और तीसरी चीज है, अगर आपकी टीम के अनुसार ही आप प्रोडक्ट परचेजिंग करें तो ज्यादा अच्छा है। देखो आज मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है, तो यहाँ पे नीड क्या होती है, जो प्रोडक्ट हमारी टीम रिकमेंड करती है, तो मुझे तो प्रोडक्ट की जरूरत है ही और लाइफ टाइम जरूरत रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, अपने लेफ्ट और राइट की टीम जो देखता हूँ एक्टिव मेंबर कि ये काम कर रहा है कंटिन्यू और ये असक्षम है, तो उसमें हम उसके आईडी पर प्रोडक्ट परचेज कर देते हैं और उनको पीवी मिल जाता है और हमें प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट हमें लाइफ टाइम चाहिए, लेकिन भगवान भी उसी का मदद करता है और लीडर भी उसी का मदद करता है जो अपने खुद का मदद करता है, जो कुछ करने के लिए तैयार हो। अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ ऐसा आईडी लगा करके कि मेरा अपलाइन मेरा पीवी कर देगा, मेरा टीम बना देगा, तो वैसे कोई भी अपलाइन काम नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। आपका अपलाइन तभी मदद करेगा जब आप एक्टिव रहेंगे। तो हम आज कई लोगों का ऐसा ही पीवी बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं डेडिकेशन होकर के काम कर रहा है, डेडिकेशन होकर के काम कर रहा है और इस बिजनेस को सीरियस लिए हुए हैं, उनका ही मदद कर रहे हैं। और हर अप्लाइन करेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा कर रहा है या मैं ही कर रहा हूँ, हर अप्लाइन करेगा आपका, क्योंकि उसको भी फायदा है कि नहीं। बिल्कुल सही सही। आज हम डाउनलाइन में कर रहे हैं, तो कोशिश ये ना करें कि आप मेरी तरीके से सब बेच बांध करके टीवी बनाए जब आपका टीम नहीं है। करण सर, टीम हो तो डेफिनेटली बनाए, क्यों, क्योंकि आपको 3 पीढ़ी तक का वो पॉइंट वैल्यू वैलिड रहने वाला है, ना कि एक बार का। थैंक यू सो मच सर। जी 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 जी। करण सर आपसे और भी कई बातें करनी है, सवाल करना है, लेकिन थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक और प्रोग्राम भी है आपको पता है जैसा कि। तो आपसे मैं एक दिन और मिलना चाहूंगा, आपके पास में जो सफिशियंट समय रहेगा, आफ्टर 3-4 2-3 वीक के बाद में मैं कोशिश करूंगा कि आपका पार्ट 2 आए, क्योंकि
मैंने जो सवाल लिख रखे थे वो सवाल सारे पूरे नहीं हो पाए, और आपसे और भी ढेर सारा बात करने का मन है मुझे, और लोगों का भी कई सवाल था जो मैं आपसे पूछ नहीं पाया, लेकिन व्हाट अ वंडरफुल जर्नी है, बिल्कुल सैल्यूट है आपको सर, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली आपने मेरे सवालों का जवाब दिया और अपनी जर्नी को आपने बताया, बहुत ही मतलब कि पूरी मूवी बन सकती है, फिल्म बन सकती है, मांझी द माउंटेन मैन की तरह पूरा एक पिक्चर वाली स्टोरी है आपकी, शादी भी कम उम्र में हुई, बीवी भी वाइफ भी आपकी इतना सपोर्ट की, सासू माँ ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं परिवार एक ताकत की तरह आपको साथ आया, परिवार का सपोर्ट रहा आपको इतनी गरीबी के बावजूद भी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू करूँ ये सेशन, लेकिन ये लास्ट में जाते जाते समय 2 मिनट में शॉर्ट में आप ये चैनल देख रहे हैं लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? थैंक यू सो मच। चैनल जो देख रहे हैं उनके लिए यही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि देखो हमारा एक किसी भी सिस्टम में अचीवमेंट लेने के लिए लक्ष्य का तय होना बहुत ही जरूरी है, और कहते हैं ना सर जीवन में ऐसा कोई काम बड़ा नहीं होता, जीवन में ऐसा कोई काम बड़ा नहीं होता, कहते हैं ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं, ऐसा कोई मुश्किल दौर मेरे हिसाब से होता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैलेंजेस में तो कई लोग मतलब ध्वस्त हो चुके होते। तो एक लक्ष्य निर्धारित होना बहुत ही जरूरी है, और हम लोग क्या है हर गलती से हमें कुछ सीखना चाहिए, और जैसे हम अगर गिर रहे हैं तो गिरने के बाद हम उठ करके उस जब गिरे तो हम ये सोचना चाहिए हम क्यों गिरे थे उस जगह पे, गलती हम में थी कि हमने क्या कमी के वजह से गिरे हैं, तो अगली बार गिरेंगे तो इस तरीके से नहीं गिरेंगे, ऐसा लोगों का एक मेंटलिटी होना चाहिए कि हर गलती से हम सीख पाए तो ज्यादा अच्छे से सफल हो सकते हैं। लास्ट में यही बात करना चाहूंगा, आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी एक हरिवंश राय बच्चन जी का बहुत अच्छा कहावत है, और उससे उन्होंने अपनी जीवन की जर्नी से ही उन्होंने इस कविता को लिखा था कि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़ यूं ही मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अगर आप कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं तो कभी भी आपकी हार नहीं होगी, यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको आजीवन ये पहला एक इंटरव्यू आपको याद रहेगा, आपको आने वाले समय में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े मंच में आप जाएंगे, लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए भी आपसे लाइन लगाएंगे, साथ में सेल्फी खिंचाने के लिए भी, मेरा ऐसा शुभकामना है आपको, और आने वाले दिनों में आप और भी बड़े बड़े मंच में बुलाए जाएंगे ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, और बहुत 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 धन्यवाद सर समय देने के लिए, एक पार्ट टू आपके साथ में और करने की इच्छा रहेगी। तो जो भी सवाल है जो चैट बॉक्स में आपको मिले होंगे वो भी सवाल ले लीजिएगा, जब आपके पास जब आप बोलेंगे तो हमें जो समय है ना वो थोड़ा सा पहले बता दीजिएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल 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 कंटिन्यू हमारा सेमिनार लग रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सारे एटोमियंस एवं सारे जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है इस चैनल पे आए हुए हैं उन सब की उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ व संपन्न जीवन की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, घर में रहे सुरक्षित रहे, वेलकम सर। ओके 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 सर, ओके सर, थैंक यू धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कीमती समय दिया, और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ में सुना, और अभी ऑलरेडी हमारा एक सेमिनार चालू है, बहुत बड़ा सेमिनार हमारा होता है, तो आप लोग बाद में भी देखेंगे तो बिल्कुल कनेक्टेड रहें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीम में शेयर करें, अपने सभी डाउनलाइंस को भेजें, और जो लोग भी एक्सक्यूज देते हैं चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है उनको ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि करण पटेल सर का जीवनी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी सीख है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग नेक्स्ट वीक भी मेरे से जुड़ेंगे 7 बजे, बहुत ही शानदार लीडर के साथ में नेक्स्ट वीक भी
मिलाने का मेरा प्लान है और वो झारखंड के रहने वाले हैं और कुछ कारणवश आज वो समय नहीं दे पाए, कोविड के चलते उनके फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इमरजेंसी में वो नहीं ज्वाइन कर पाए। तो नेक्स्ट सेशन में दोबारा से मिलेंगे, इसी वादे के साथ में आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय।